नमस्कार दोस्तों, बस आप ही का इंतजार था। अंकित हेल्थ क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे पूछा है कि अगर लो स्पर्म काउंट है तो कोई ऐसी दवा बताइए जिससे हमें लाभ मिल सके, स्पर्म काउंट में वृद्धि हो सके, और साथ ही साथ अगर 4-5 साल हो गए हैं शादी को और लो स्पर्म काउंट की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ऐसी कोई दवा बताइए जिससे हमें लाभ हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजबल होने वाली है, बहुत ही जानकारी से भरी हुई वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ सर दोस्तों कि ताकि और भी ज़रूरतमंदों को ढेर सारी जानकारियाँ मिल सकें और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने सवाल के ऊपर कि अगर लो स्पर्म काउंट की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं और शादी को 4 से 5 साल या 10 साल हो गए हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो उन सब्सक्राइबर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल जाए तो इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने 3 वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो था लौंग के तेल के ऊपर जो कि डाबर कंपनी का था, दूसरा हिमालय का कॉन्फिडो और तीसरा एडिजोआ चरक कैप्सूल, चरक कंपनी का बनाया हुआ एडिजोआ कैप्सूल। ये 3 वीडियो मैंने बनाए थे और तीनों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों। अगर आप इनके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, इन तीनों आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके और वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेना है लौंग का तेल जो कि किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा 20 से 30 रुपए में, और दूसरी चीज़ आपको आना है मेडिकल स्टोर और वहाँ से लेना है हिमालय का कॉर्नफिडो और साथ ही साथ लेना है चरक कंपनी का एडिजोआ। अब इन तीनों को इस्तेमाल कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सुबह जब आप ब्रश कर लेते हैं खाली पेट, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 बूंद लौंग का तेल डालना है, उसे स्पून से मिला लेना है और सुखासन में बैठकर घूट घूट करके आराम से उसको पी लेना है। पीने के बाद 30 से 35 मिनट के बाद ही गैप बनाए रखिएगा, उसके बाद ही आप चाय, नाश्ता, भोजन जो भी करना चाहें कर सकते हैं। दिन में कभी भी 1 गोली आप कॉर्नफिडो की लीजिएगा अगर आपको स्पर्म काउंट रिलेटेड दिक्कत है तो, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कुछ हमारे पेशेंट होते हैं जिनको 60 से 120 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट होता है या उससे भी लो होता है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आप हिमालय का जो कॉर्नफिडो है उसकी 2 गोलियां लीजिएगा, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, और अगर 60 से 120 मिलियन के आसपास है तो आप 1 गोली ले सकते हैं। दूसरी चीज़ एडिजोआ का कैप्सूल है जो कि रात में भोजन करने के बाद सोते समय 2 गोली लेनी है, 2 कैप्सूल आप लीजिएगा पानी के साथ। दोस्तों, ये तीनों दवाएँ जैसे मैंने बताएं वैसे इस्तेमाल करिए, 3 महीने का कोर्स है 100% गारंटी के साथ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मार्केट में इधर उधर की दवाएं ना लीजिए, बहुत से लोग होते हैं जो हकीम बाबाओं के चक्कर में और डॉक्टरों के चक्कर में अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से समय निकलता जाता है और उनको कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो हर जगह पर अपना परेशानी आजमा चुके हैं और उनको कोई निस्तारण नहीं मिला है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो के माध्यम से आप कम बजट में सस्ते में और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, तो इस दवा को इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना स्पर्म काउंट जांच करा लीजिए, 15 से 20 दिन इन दवाओं का इस्तेमाल करिए और फिर से एक बार स्पर्म काउंट जाँच करा लीजिए, 100% आपको स्पर्म काउंट में वृद्धि देखने को मिल जाएगी, 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या उपाय करें, कुछ ऐसे उपाय भी करने होंगे जिससे आपको संतान उत्पत्ति करने में आसानी हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि महिला के पीरियड आने के बाद 14वें से 16वें दिन के बीच में उनके अंडाशय से ये अंडे निकलते हैं जिनको निषेचित करने के लिए वहाँ पर स्पर्म काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखना है कि इस दवा को यूज करते हुए आप लोग अगर रेगुलरली अपने फीमेल पार्टनर के साथ संभोग करते हैं तो ऐसा मत करिएगा, कम से कम 3 से 4 दिन का गैप बनाइएगा, वो इसलिए क्योंकि 48 से 72 घंटे लगते हैं दोस्तों स्पर्म बनने में, और रेगुलरली सेक्स करने से आपके स्पर्म काउंट कमज़ोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या छीड़ हो जाते हैं।
तो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको 3 से 4 दिन का गैप बनाए रखना है, यानी कि दवा का इस्तेमाल करना है और संभोग करने के लिए 3 से 4 दिन का गैप बना बना कर ही आपको संभोग करना है, अपने फीमेल पार्टनर से मिलना है। ध्यान रखिए दोस्तों, अपने फीमेल पार्टनर का भी जांच करा लीजिए, उसके बाद ही इन दवाओं का इस्तेमाल करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 से 4 दिन का गैप रखते हुए आपको 14वें, 15वें और 16वें दिन के बीच में एक बार संभोग जरूर करना है। इसके अलावा आप इतना ही केवल करिए, बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद ही समझदार हैं, आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, ये सारी दवाएं प्योर आयुर्वेदिक हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त मैंने तीनों दवाएं बताई हैं और ये बहुत ही अच्छी दवाएं हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि और भी ज़रूरतमंदों की सहायता हो सके, उनको मदद मिल सके, उन लोगों का टाइम और पैसा बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ हमारे वीडियो और चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और कमेंट के माध्यम से करिए दोस्तों, ताकि और भी हमें वीडियो बनाने में आसानी हो और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी तरह। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।